हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है फ्रेश मिल्क हैज अ पीएच ऑफ 6 व्हेन इट चेंज इनटू कर्ड विल इट्स पीएच वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज एंड व्हाई। तो देखो फ्रेश मिल्क का पीएच वैल्यू क्या होता है, 6 होता है, और लेकिन ये कर्ड में अगर चेंज होगा तो उसका पीएच वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा, पीएच वैल्यू उसका पहले से बढ़ जाएगा या घटेगा, और बढ़ेगा या घटेगा उसका क्या रीजन है वो हम लोग को बताना है। तो देखो फ्रेश मिल्क जब भी चेंज होता है कर्ड में तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है ना घट जाता है, पहले से इसका पीएच वैल्यू 6 से कम हो जाएगा। 6 से कम ही क्यों होगा, क्योंकि जब ये कर्ड में चेंज होता है ना तो ये लैक्टिक एसिड बनाता है। ये कर्ड में जब चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और एसिडिक कैरेक्टर की वजह से, एसिडिक कैरेक्टर की वजह से इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, घटता हुआ चला जाता है, ठीक है, लो हो जाता है इसका पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होता है, लो हो जाता है। देखो दूध जो होता है फ्रेश मिल्क कोई बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होता है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच वैल्यू ऑफ 6, ठीक है, लेकिन इसके लिए लिख सकते हैं हम लोग व्हेन व्हेन मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड, व्हेन मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड देन इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीज, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू ऐसा लिखो, फॉर्मेशन है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड इन कर्ड। कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसका पीएच वैल्यू कम हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड क्या होता है, कैरेक्टर में कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, ठीक है, विच इज एसिडिक इन नेचर। और हम लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा अगर एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा पीएच का वैल्यू क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो फ्रेश मिल्क जो तब पीएच वैल्यू जब 6 था तो वो कम एसिडिक था, लेकिन जब वो कर्ड में चेंज हुआ तो लैक्टिक एसिड इंक्रीज हुआ तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, बढ़ा। तो एसिडिक कैरेक्टर जितना बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना ही कम होता चला जाएगा, तो पहले से कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा, तो इसका पीएच वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हुआ, ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि लैक्टिक एसिड वहां पे बन रहा था। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।